सो और सब गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहता आप गए मेरे तरफ से भाई लोग सभी भाई लोग को लेनी हैप्पी न्यू ईयर के देकर शुभकामना है। तो आप लोग अगर हैप्पी न्यू ईयर काफ़ी नज़दीक आ चुका था आप लोगों को पता होगा ना हैप्पी न्यू ईयर का कोई भी अभी तक वीडियो नहीं डाला 2024 का फोटो एडिटिंग करने के लिए। तो आप लोग को बट आपका भाई सारा कुछ जानने वाला है तो आप लोग को दिखाएं कुछ इस टाइप का हैप्पी न्यू ईयर फोटो एडिटिंग करने के लिए। तो देख सकते हो हमारा फोटो काफ़ी कंटेप और काफ़ी वॉल से दिख रहा है कुछ। आप लोग भी ना सबसे पहले फोटो एडिटिंग करके नहीं डालेंगे ना तो आप लोग का क्या होगा ना फोटो वायरल नहीं होगा और आप लोग हैप्पी न्यू ईयर फोटो जब लास्ट में डालेंगे जिससे काफी नजदीक आ जाएगा तो आप लोगों को पता वीडियो एंड फोटो कुछ भी वायरल नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए गाइस आपका भाई क्यों ना सोचा अब एक मंथ से पहले ही थोड़ा सा बचा, एक मंथ तो होगा तो क्यों ना सोचा पहले ही आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर का फोटो एडिटिंग कुछ इस टाइप का आप लोग फोटो को एडिट करके दिखाएं। तो देख सकते हो आप लोग को कुछ भाई इस टाइप का फोटो एडिटिंग करके दिखाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जो भी पिक को एडिट करने रहेगा वो पिक को ले लेंगे। सो गाइस आपका भाई इसी फोटो को एडिट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले एडिट करने से पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा अपना फोटो को स्नैपसीटैप में गाइस आप लोग को शेयर कर लेंगे। सो गाइस जब अपना फोटो को स्नैपसीटैप में गाइस हम लोग शेयर करेंगे कुछ इंटरफेस ऐसा खुल के आएगा। तो सबसे पहले आप लोग इतना प्रोसेस हो जाएगा तो इस वाला आइकन पे गाइस दाबेंगे उसके बाद गाइस इस वाला आइकन पे आ जाएंगे। सो गाइस जब इस वाला आइकन पे आप लोग आ जाएंगे कुछ इंटरफेस कुछ ऐसा खुल के आएगा तो सबसे लास्ट में आप लोग को 12 नंबर पे आप लोग को आ जाना है। तो इस 12 नंबर पे सबसे लास्ट में देखिए आप लोग जब आ जाएंगे तो इस बार सेटिंग पे आएंगे इसको ऑफसेट को पूरा करके 100 करके माइनस करके और कुछ इसको इतना सा करके और कुछ इसको इतना सा करके रख लेंगे। आप लोग इतना इतना करके रख लेना है, ये देखिए आपका भाई इतना इतना करके सेटिंग को रख लिया। उसके बाद इतना प्रोसेस हो जाएगा तो आप लोग इधर डन वाला आइकन पे गाइस डन करके उसे आप लोग को ऑनडो वाला आइकन पे गाइस टैप करना है। सो गाइस जब ऑनडो वाला आइकन पे टैप करेंगे उस पर व्यू एडिट पे आप लोग को टैप करते हैं। जब व्यू एडिट पे टैप करेंगे तो इस पर एक बार आप लोग को टैप करेंगे तो आप लोग का कुछ इंटरफेस कुछ ऐसा खुल के आएगा। तो कुछ इंटरफेस ऐसा खुल के आएगा तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा ना। सो गाइस इंटरफेस कुछ हल्का ऐसा खुल के आएगा तो सबसे पहले आप लोग क्या करना पेंसिल आइकन पे टैप कर देंगे। तो उस वक्त आप लोग को इस वाला आइकन पे गाइस आप लोग को टैप करना है। थोड़ा सा गाइस बैकग्राउंड में कुछ नॉइस ज़्यादा आता होगा क्योंकि गाइस आप लोग का भाई कहीं पे आया फिर भी आप लोग को वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग को क्या करना है अपना फेस पे से इफेक्ट को कुछ इसी प्रकार से आप लोग को इरेज कर लेना है। तो देखिए आपका भाई काफ़ी अच्छे तरीके से हम अपने फेस पे से इफेक्ट को इरेज कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी ऐसा करके इसको इरेज कर लेंगे तो आप लोग अपने फेस पे से इफेक्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से इरेज कर लेंगे। सो गाइस आपका भाई देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से इफेक्ट को इरेज कर रहे हैं अपने हेयर पैसे भी और कपड़े पैसे आप लोग को इरेज नहीं करना है बस आप लोग को अपने फेस पैसे और हेयर पैसे और पैर वगैरह पैसे आप लोग जहां से चाहते हैं वहां से देख सकते हो आपका भाई काफ़ी अच्छे तरीके से इरेज कर रहे हैं। तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को इसको इरेज जरूर करना है तभी आप लोग का फोटो अच्छे तरीके से इरेज होगा और आप लोग का फोटो अच्छा दिखेगा। तो देख सकते हो आपका भाई काफ़ी अच्छे तरीके से हम इरेज कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस करके थोड़ा सा फोटो क्या करना है ना आप लोग को कुछ ऐसा करके जूम करके आप लोग को इरेज करना है। जरूरत पड़े तो आप लोग अपने हेयर पर इसे भी इरेज कर लें क्योंकि आप लोग को हेयर का कलर भी काफ़ी ब्लैक रहेगा तो आप लोग को अच्छा नहीं फोटो लगेगा। आप लोग को सेम प्रोसेस करके इस दोनों हाथ पैसे भी और एंड पैर वगैरह पैसे सारा कुछ पैसे इरेज कर लेना है। जो इसके बाद आपका भाई एक सेटिंग बताएगा तो उस सेटिंग को आप लोग को जानना पड़ेगा तभी आप लोग का फोटो को अच्छे तरीके से एडिट कर पाएंगे। सो गाइस देख सकते हो आपका भाई काफ़ी अच्छे तरीके से आपका भाई ऐसा करके इरेज कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी ऐसा करके अच्छे तरीके से इरेज कर लेना जैसा आपका भाई इरेज कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस करके ऐसा करके इरेज कर लेंगे। उसके बाद आप लोग इसको पैर पैसे भी इसको अच्छे तरीके से इरेज कर लेना। तो देखिए आपका भाई काफ़ी अच्छे तरीके से पैर पैसे भी इरेज कर रहे हैं तो दोनों पैर पैसे आप लोग को इसको अच्छे तरीके से इसको इरेज कर लेना है। तो फाइनली गाइस हमारा जूता का कलर देख सकते हो अभी तो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक सा दिख रहा है इसको 50 एफसीटी से करके इसको भी जूता के कलर को थोड़ा सा हल्का सा लेंगे तभी हमारा फोटो में चांद चांद सा लगेगा और हमारा फोटो मस्त दिखेगा। तो थोड़ा सा जूता पैसे भी इस इफेक्ट को पैसे इसको इरेज कर लेते हैं तो सेम प्रोसेस करके इसको अच्छे तरीके से आप लोग को इरेज कर लेना एंड आप लोग को जीन्स पैसे भी थोड़ा थोड़ा सा करके ज़्यादा यहाँ पे ब्लैक सा है इसको भी हम क्या करते हैं अच्छे तरीके से इरेज कर लेते हैं। इतना प्रोसेस हो जाएगा तो हमारा फोटो में कुछ इंटरफेस कुछ ऐसा खुल के आएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे थोड़ा सा डिटेल आप लोग को फोटो में देना थोड़ा सा इस डिटेल वाले आइकन पर आ जाएंगे कुछ इतना सा अंडे कुछ इतना सा दोनों को डिटेल को कुछ इतना बढ़ा लेंगे। तो सबसे पहले एक इफेक्ट को इसमें अप्लाई करना पड़ेगा तो इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए सबसे
पहले आप लोग को शेयर वाला आइकन पे गाइस टैप करना है। सो गाइस जब शेयर वाला आइकन पे गाइस टैप करेंगे तो आप लोग अपना फोटो को पिकार्ट में गाइस आप लोग को ओपन कर लेना है। सो गाइस जब अपना फोटो को पिकार्ट में गाइस ओपन करेंगे तभी आप लोग सेम ऐसा बैकग्राउंड बनाना सीख पाएंगे और बना सकते हैं कि गाइस आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप लोग एडिट वाला आइकन पे आ जाएंगे। सो गाइस जब एडिट वाला आइकन पे आ जाएंगे तो उसके बाद आप लोग को ऐसा करके स्क्रॉल करके आ जाना है। तो स्क्रॉल करके आएंगे तो इस वाला आइकन पे गाइस आप लोग को दाब देना है। सो गाइस जब इस वाला आइकन पे आएंगे तो उसके बाद आप लोग इधर फेदर 2 करके लिखा है तो फेदर 2 पे आप लोग को गाइस दाबना है। थोड़ा सा गाइस आप लोग बैकग्राउंड नॉइस यार थोड़ा सा ज़्यादा ही आप लोग को देखने को मिलता होगा तो आप लोग यार थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। लोग फेदर 2 पे टैप करें कुछ इंटरफेस कुछ ऐसा खुलेगा। इस पे आप लोगों को टैप करके कितना इसको एफसी 2 कुछ इतना 50 करके रख लेना है। थोड़ा सा हल्का सा माइनस 40 करके रख लेंगे। उसके बाद आप लोगों को फेस पे इस इफेक्ट को अच्छे तरीके से इरेज करना। पेंसिल आइकन पे टैप करके हम क्या करते हैं अपने फेस पे इस इफेक्ट को अच्छे तरीके से इरेज करते हैं। तो देखिए गाइस आपका भाई काफ़ी अच्छे तरीके से फेस पे इस इफेक्ट को अच्छे तरीके से इरेज कर रहे हैं। तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी इस इफेक्ट को अच्छे तरीके से इरेज कर लेना। आप लोग देख सकते हो आपका भाई काफ़ी अच्छे तरीके से इरेज कर रहा है एंड पैसे एंड पैर पैसे भी सारा कुछ पैसे। तो देखिए हमारा फोटो काफ़ी अच्छे तरीके से हो चुका। अभी इसको बैकग्राउंड को क्या करेंगे बैलर को करेंगे। सो गाइस जब हम क्या सो गाइस इतना प्रोसेस हो जाएगा तभी क्या करेंगे बैकग्राउंड को ब्लर करेंगे तभी हमारा फोटो अच्छा दिखेगा। तो आप लोग को शेयर वाला आइकन पे गाइस टैप करके तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना अपना फोटो को फोटो रूम एम में गाइस आप लोग को शेयर कर लेंगे। सो गाइस आप लोग फोटो रूम एम में गाइस अपना फोटो जब शेयर करेंगे कुछ इंटरफेस कुछ ऐसा खुल के आएगा। थोड़ा सा आप लोग को वेट कर लेना है। जब आप लोग वेट कर लेंगे ऊपर के साइड में ऐसा स्क्रॉल करके आप लोग को आ जानेंगे। उस बाद गाइस आप लोग को क्या करना ना इधर ब्लर वाला आइकन पे गाइस आप लोग को टैप करना है। सो गाइस जब ब्लर वाला आइकन पे गाइस टैप करेंगे तो आप लोग का कुछ इंटरफेस कुछ ऐसा खुल के आएगा। तो उसके बाद आप लोग इस ब्लर के इफेक्ट पे फिर से गाइस आप लोग ब्लर वाला आइकन पे उसके बाद इस वाला ब्लर पे आप लोग दूसरे नंबर ब्लर पे आप लोग सेलेक्ट करके इसका ब्लर को FCT को BC करके रहने देना है। उसके बाद आप लोग इसको सेव करके फिर से गाइस आप लोग अपना फोटो को पिकार्ट में गाइस इधर से ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना इसको ऐड फोटो पर आ जाएंगे। सो गाइस जब ऐड फोटो पर आ जाएंगे कुछ इंटरफेस कुछ हमारा देखिए। सो गाइस उसके बाद हम लोग क्या करें ऐड फोटो पर क्लिक करके अपना बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड के तो वो वाला फोटो को लेके आप लोग को क्या करना है सेम फोटो पर ऐड कर लेना। आप लोग जहां से ब्लर को करना है इसको पेंसिल आइकन पे गाइस टैप करेंगे इसको ऐसा इस प्रकार से आप लोग को इसको इरेज कर लेंगे। सो गाइस देखिए हमारा बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लर हो चुका है। इतना प्रोसेस हो जाएगा तो अपना फोटो को हम लोग क्या करेंगे डन वाला आइकन पे गाइस टैप करके अपना फोटो को डन करेंगे। उसके बाद गाइस हम लोग क्या करेंगे ऐड फोटो आ जाएंगे जो हमारा जो PNG है। सो गाइस हम लोग क्या करेंगे ना हम ऐड फोटो पर आके जो हमारा PNG है तो सबसे पहले ये वाला PNG को हम लोग क्या करेंगे ले लेंगे। उसके बाद आप लोग इसको सबसे पहले हम लोग इस पर टैप करके इसको ब्लेंडिंग कर लेंगे। ब्लेंडिंग पर जब हम लोग टैप करेंगे इसको दोनों फिंगर से इसको अच्छे तरीके से जूम कर लेना। तो देखिए जब आप लोग ध्यान से वीडियो देखेंगे तभी आप लोग सारा कुछ PNG को ऐड कर पाएंगे। इसको अच्छे तरीके से जूम करके आप लोग क्या करना इस पेंसिल आइकन पर टैप करके इस वाला आइकन पर गाइस टैप कर देंगे। जब इस वाले आइकन पे आप लोगों को टैप करेंगे हमारा जो PNG वो गायब हो जाएगा। उसका पेंसिल आइकन पे टैप करके इसका FCT को 99 and 100 करके बस अपने बैकग्राउंड को ऊपर ऐसा करके आप लोगों को इसको चलाना है। सो गाइस देख सकते हैं आपका भाई काफ़ी अच्छे तरीके चला रहे हैं और आप लोग को सबसे पहले ध्यान से ब्रश को आप लोग को चलाना पड़ेगा तभी नहीं तो आप लोग क्या करेंगे ना अपने फोटो के ऊपर इसको अप्लाई कर देंगे ब्रश को। तो देखिए आपका भाई काफ़ी अच्छे तरीके चला रहे हैं। थोड़ा सा यार बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस आप लोग को देखने को मिलता होगा क्योंकि ऐसे हम कहीं पे आए हैं तो समझ सकते हो घर पे तो है नहीं घर पे हम रहते तो कोई नॉइस वगैरह आप लोग को देखने को मिलता नहीं होगा और हमारा आवाज़ भी आप लोग को क्लियर देखने को मिलता होगा। यहाँ पर यार आप लोग को पता है किसको किसको हम शांत कराएंगे क्योंकि ऐसे आप लोग को पता है ना रिलेशन में कहीं आने के बाद तो ऐसा ही होता है आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग को सेम प्रोसेस करके इसको अच्छे तरीके से आप लोग को इसको लगा लेना है। सो गाइस आप लोग देख सकते हो आपका भाई काफ़ी अच्छे तरीके से लगा रहे हैं। तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को इसको गाइस PNG को अच्छे तरीके से इतना अच्छे तरीके से लगाना है कि थोड़ा भी आप लोग को पता ना पड़े और अपने कपड़े के ऊपर नहीं लगाना इस इफेक्ट को बस अपने बॉडी का नीचे आप लोग को कपड़े का पीछे नहीं बैकग्राउंड में आप लोग को इसका इसको करके लगाना है। सो गाइस देख सकते हो आपका भाई काफ़ी अच्छे तरीके से लगा रहे हैं। तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को लगा लेना है जैसा आपका भाई लगा रहे हैं। तो देखिए आपका भाई इस प्रकार से आप लोग को लगा रहे हैं तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को ऐसा ही करके लगा लेंगे तभी आप लोग को फोटो में आप लोग का फोटो मस्त दिखेगा। तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को इसको अच्छे तरीके से लगा लेंगे जैसा आपका भाई लगा रहे हैं। तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी ऐसा अच्छे तरीके से लगाना है।
सो गाइस आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे तरीके से वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे ना, आप लोग इसको जब ऐड करने जाएंगे और इसको जब लगाएंगे तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग थोड़ा भी मिस्टेक कर देंगे तो आप लोग अपना फ़ोटो में अच्छे तरीके से इसको लगा नहीं पाएंगे। तो देखिए आपका भाई काफ़ी अच्छे तरीके से इसको लगा रहे हैं, तो आपको का भाई सेम प्रोसेस करके लगाना पड़ेगा। और इसके बाद इतना प्रोसेस हो जाएगा तो जो जो PNG है तो सारा कुछ आप लोग को स्टेप बाई सारा कुछ आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डाउनलोड करेंगे। PNG तो आप लोग गाइस ले लेंगे लेकिन बट आप लोग को क्या होगा ना, तो आप लोग फोटो में इसको लगा नहीं पाएंगे और आप लोग को फोटो में आप लोग को अच्छे तरीके से क्या होगा, इस इफेक्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो देखिए आपका भाई काफ़ी अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर रहे हैं एंड इसको एडिट कर रहे हैं, तो सेम प्रोसेस करके इसको जब PNG को लगाएंगे तभी आप लोग को फोटो में अच्छा लुक आएगा और आप लोग का फोटो अच्छा दिखेगा। तो इतना प्रोसेस हो जाएगा तो आप लोग इस PNG को लगा लेंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस PNG को डन कर लेंगे और ऐड फोटो पर जब आ जाएंगे, जो एक और हमारा PNG हैप्पी न्यू ईयर करके लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे इस वाले PNG को ले लेंगे एंड दोनों PNG को, दो PNG हमारा है तो दोनों PNG को ले लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा हैप्पी न्यू लिखा है तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी ब्लेंडिंग करके इसको भी यहाँ पे कुछ इसको रख लेके, उसके बाद आप लोग को कलर वाला आइकन पे आ जाएंगे, इसको थोड़ा सा हम क्या करें इसको बढ़ा लेंगे। जब इतना सा हो जाएगा इसको कुछ इतना सा एंड इसको कुछ ऊपर की साइड में इतना सा करके इसको जूम करके इसको यहाँ पैसा बैठा लेंगे, उस वक्त इसको भी हम लोग वही काम करेंगे, इसको भी सेम प्रोसेस का ब्लेंडिंग पे आके दोनों फिंगर से इसको ऐसा कुछ आप लोग जूम करके इसको यहाँ पे ऐसा करके लगा लेंगे। तो देखिए हमारा फोटो काफ़ी मस्त हो चुका और एक और हमारा PNG है तो उस PNG को लगाएंगे तो हमारा फोटो में देखिएगा कितना खतरनाक लुक आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं ऐड फोटो पा के इसको भी ऐड कर लेते। सो फाइनली गाइस आपका भाई PNG को ऐड कर लिया, इसको भी वही काम करना पड़ेगा, ब्लेंडिंग पे आके इसको भी दोनों फिंगर से आप लोग जूम करके अपना पूरा फोटो को ऊपर अप्लाई करके उसका कलर में आके इसको गाइस आप लोग को रेड कलर करके रख लेंगे। तो देखिए हल्का सा रेड कलर करके रखेंगे, उसके बाद आप लोग यहाँ से डन कर लेंगे, उसका पेंसिल आइकन पर गाइस टाइप करके आप लोग अपने फेस वैसा इफेक्ट को अच्छे तरीके से इरेज कर लेना है। तो देखिए आपका भाई काफ़ी अच्छे तरीके से फेस वैसा इफेक्ट को अच्छे तरीके से इरेज कर लिया, उसके बाद आप लोग को फोटो को यहाँ से डन कर लेना है, उसके बाद आप लोग को कलर में आके आप लोग कलर आइकन पे आ जाना है, उसके बाद आप लोग को कलर में आके कोई भी कलर को आप लोग ऐसा करके सेलेक्ट करके आप लोग जो मर्जी वो कलर को रख सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं अपना पेंसिल आइकन पे टाइप करके जो अपने फेस वैसा इफेक्ट का है तो इसको अच्छे तरीके से इरेज कर लेंगे। तो देखिए आपका भाई काफ़ी अच्छे तरीके से फेस वैसा इफेक्ट को इरेज करें एंड हैंड पैसे, तो सेम प्रोसेस करके आप लोग ऐसा इफेक्ट को अच्छे तरीके से इरेज कर लेंगे जब, तो आप लोग का फोटो इतना खतरनाक इतना मस्त दिखेगा तो आप लोग अभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो देखिए आपका भाई काफ़ी अच्छे तरीके से इसको इरेज कर रहे हैं, तो सेम प्रोसेस करके आप लोग कर लेंगे, उससे तो आप लोग देखिए जो मर्जी वो कलर रख सकते हैं अनलिमिटेड कलर। तो देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा कलर लग रहा था, उसके बाद आप लोग जो मर्जी वो कलर रख लेंगे। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले हमको तो यही कलर था तो ये कलर को रख लेंगे, उसके बाद आप लोग जब सेट का कलर को दोनों को मैच करना है तो आप लोग इस एडिट वाले आइकन पर आके उसका कलर में आके तो आप लोग कलर में आएंगे तो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, उसका पेंसिल आइकन पे आके इस पर आप लोग दाब के आप लोग बस ऐसा कपड़े का कलर को एग्जांपल के लिए आप लोग बता रहे तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से कलर को चेंज कर लेंगे। उसके बाद इसको मिक्स टूल पे आएंगे, कलर पे आप लोग को आके इसको देखिए आप लोग सेम जो हमारा बैकग्राउंड में वही कलर रख लेंगे तो हमारा फोटो देखिए अभी फोटो काफ़ी बवाल सा दिख रहा है। तो सेम प्रोसेस करके सेट का कलर को भी चेंज करके आप लोग अच्छे तरीके से फोटो को एडिट करना सीख पाएंगे। तो आई होप गाइस आप लोग वीडियो काफ़ी प्यारा लगा होगा, इसके लिए एक लाइक एक कमेंट जरूर कर देना है और मेरे चैनल पर नया तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। तो सेम प्रोसेस करके आपका भाई एडिट करके दिखा चुका जैसा आपका भाई दिखाया, तो आई होप गाइस आप लोग को नेक्स्ट टाइम वीडियो जो है किस टॉपिक पे चाहे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए गाइस मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब से लव यू टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट करते।